please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारे मेहमान आसियान देशों के 10 राष्ट्राध्यक्ष वो इस भव्य परेड को देखते हुए और जो उन्हें पुस्तिका दी गई हैं उससे वो जानकारी हासिल करते हुए, कई बार ये भी होता है कि प्रधानमंत्री से भी पूछ रहे हैं जो उनके साथ बैठे हैं। और अब छत्तीसगढ़ की झांकी, रामगढ़ की प्राचीन रंगशाला। झांकी के पहले हिस्से में महान कवि कालिदास को रामगढ़ की पहाड़ियों पर अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत की रचना करते दिखाया गया है, जबकि झांकी के पिछले हिस्से में अर्ध गोलाकार पर्वत को दिखाया गया है। रंगशाला के मंच पर कलाकारों को कालिदास के प्रसिद्ध काव्य मेघदूत का मंचन करते दिखाया गया है। तो यहां ये राजपथ की झांकी, राजपथ पर जो झांकी हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की झांकी, राजपथ पर सलामी मंच। न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आज हम अपने दर्शकों तक ये जो प्रसारण है उसे पहुंचा रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ के बाद केरल की झांकी केट्टू कायचा इसका शीर्षक है। और आप ये देखिए कि झांकी में केट्टू कायचा और ओचिराकली दोनों को एक ही संरचना में प्रदर्शित किया गया है। इस झांकी को पुरुष अपने कंधों पर उठाकर और तालबद्ध नृत्य करते हुए और जयकारों के साथ उल्लासपूर्वक जुलूस के रूप में मंदिर परिसर में ले जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो हर राज्य की अपनी विशिष्टता, उसकी संस्कृति, संगीत सब हम देख पा रहे हैं राजपथ पर। उनहत्तरवां गणतंत्र दिवस आज पूरा राष्ट्र हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और अब असम राज्य की झांकी सत्र के परंपरागत मुखौटे। मुखौटे बनाने की कला की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत, विद्वान, कवि, असम के सामाजिक और धार्मिक सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देवा के द्वारा की गई। इस परंपरागत मुखौटे का प्रयोग धार्मिक नृत्यों और नाटकों, सत्र यानी वैष्णव मठों और नामगार यानी प्रार्थना घर में किया जाता था। झांकी में भावना यानी नाट्यशाला में सीताहरण, बालीवध विषय पर पात्रों के सदृश मुखौटा यानी मुखा पहने हुए कलाकारों के द्वारा सुंदर अभिनय को दिखाया गया है। जानी जानी इबार हावो विश्व मुगलागी चल हो। और अब असम की झांकी के बाद हम देखेंगे पंजाब राज्य की झांकी और इसका शीर्षक है संगत और पंगत। संगत और पंगत के विभिन्न पहलुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कुछ सिखों को श्रद्धालुओं को खाना खिलाते यानी लंगर छकाते और खाना परोसते हुए दिखाया जा रहा है। ये झांकी पंजाब राज्य की झांकी और किस तरह से लंगर तैयार किया जाता है बड़े बड़े कड़ाहों में और किस तरह से लाखों लोग रोजाना विभिन्न गुरुद्वारों में लंगर छकते हैं। संगत और पंगत के एक भाग के रूप में कुछ पुरुषों और महिलाओं को चपाती बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए भी दिखाया गया है। और इस पूरे कार्य को नाम दिया जाता है सेवा। शब्द गुरबाणी गूंजती हुई पंजाब की झांकी। और इसके बाद अब हम राजपथ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी
कय मठ। हिमाचल प्रदेश राज्य की ये झांकी स्पीति घाटी में स्थित सबसे बड़े और हजार वर्ष पुराने कय गोम्पा मठ पर केंद्रित है। कय गोम्पा एक बौद्ध मठ है जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई है। ये प्राचीन बौद्ध नक्काशी, चित्रकारी, भित्ति चित्र, दुर्लभ थंकास पांडुलिपि के संग्रह के लिए विख्यात है और इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं वो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए भी दिखाए गए हैं। महात्मा बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। मध्य भाग में स्तूप और वहां आराम करते भिक्षुओं को भी दिखाया गया है और पिछले भाग में कई मठ और बौद्ध मंत्रों का उच्चारण करते भिक्षुओं को झांकी के साथ चलते हुए दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश की ये बहुत ही अनूठी और अद्भुत झांकी। और ये हम देख रहे हैं कुछ वो दस्ते जो पहले यहाँ से निकल चुके हैं और लाल किले के रास्ते में हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को इंडिया गेट तक रोक लिया जाता है लेकिन ज़्यादातर मार्चिंग दस्ते, झांकियाँ सब ये पहुँचती हैं लाल किले तक। और अब मणिपुर की झांकी खाम्बा थोबी मोइरंग कांग लेरॉन। घटनाओं की विविधता और पात्रों की प्रगाढ़ता के कारण कहानी महाकाव्य के समरूप है और इसमें राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य खाम्बा थोबी इसे दर्शाया गया है जो एक तरुण प्रेम कथा है और इसमें बहुत सारे पात्र हैं, घटनाएं हैं और उन्हीं को विविधता के साथ इसमें दर्शाया गया है। मणिपुर की ये झांकी मणिपुर के बाद अब गुजरात की झांकी जिसमें दर्शाया गया है साबरमती आश्रम की सदी और गांधी जी। साबरमती आश्रम की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में की गई थी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी आश्रम के हृदय कुंज में कई वर्षों तक रहे। प्रसिद्ध दांडी यात्रा, नमक यात्रा की शुरुआत भी 1930 में यहीं से हुई थी। सत्याग्रह के प्रथम भवन, विनोबा जी की कुटीर झोपड़ी और हृदय कुंज, जिन्हें आश्रम का हृदय माना जाता है, को भौतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है और यहाँ ये बच्चे यहाँ पर वही नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
संगराई मोग नृत्य। ये लोक नृत्य मोग समुदाय का प्रमुख नृत्य है। ये नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के अंतिम महीने चैत्र यानी अप्रैल में संगराई उत्सव के अवसर पर किया जाता है और इसे प्रस्तुत करेंगे उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के दीमापुर के जो यहाँ कुछ कलाकार हैं वो प्रस्तुत करेंगे। मोग समुदाय के लोग, लड़के और लड़कियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिन नए साल के आगमन का स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं संगराई मोग नृत्य। ओ सांग्रे 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 ओ सांग्रे राको क्रोचो बामे सांग्रे रामा प्योगे मिलो सांग्रे सांग्रे गो सांग्रे गोम्याओ पुंजरा क्या के में पियाओ छुंगो यांगे में पूरा शामा तांगे में सूरा सालू म्यागो दाना प्रुके में सूरा सालू म्यागो दाना प्रुके में उम्रे नहीं सा युगे में रिक्रोई क्रोईला रोगे में चंक्रे जोची खागे में पूरा कोरी खोगे में मिला मोंगला चूलो पोंलो रिक्जे के पामे मिला मोंगला चूलो पोंलो रिक्जे के पामे तू जोई नो चोई चोईंगे में तो जोई अपन थोगे में अलों जाला थोगे में कंची को दुख जे में कोरो राजा दिगो क्या बोला गे में कोरो राजा दिगो क्या बोला गे में कोरो राजा दिगो क्या बोला गे में शिक्षित भारत सशक्त भारत। शिक्षा हमारी पहचान है, हम भारत की शान है। घर घर में शिक्षा का दीप जले, अब यही हमारा पैगाम है। इस पावन अवसर पर जो आज हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन स्कूल नजफगढ़ के 155 छात्र छात्राएं अब यही संदेश देने जा रहे हैं कैसे शिक्षा भारत को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। तो सुनते हैं शिक्षा का ये पैगाम। घर घर में शिक्षा का दीप जले। अपनी भक्ति है समृद्ध सौम्य संपूर्ण देश
देश और सजल समाज की हस्ती है भारत इस तक का विश्व गुरु शिक्षा हमारी हम भारत की साक्षरता से ही बनता है अपना भारत देश महान और इसके साथ ही ये जो बच्चों के कार्यक्रम थे जो उनकी प्रस्तुतियां थी वो समाप्त हुई और अक्सर ये होता है कि जब ये बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर लेते हैं तो उसके बाद आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं क्योंकि फिर जो मोटरसाइकिल सवार आते हैं करतब दिखाने उनके लिए जगह खाली मिलनी चाहिए और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल सवार टीम सीमा भवानी जो कि महिलाओं की टीम है पहली बार वो इसमें भाग ले रही हैं लेकिन वो जिस तरह के करतब दिखाएंगी वो वाकई दांतों तले उंगली दमाने पर मजबूर कर देंगी और सब इंस्पेक्टर स्टेंजिन नोरियांग वो नेतृत्व करेंगी इस पूरे दस्ते का और बड़े ही हैरत अंगेज कारनामे ये दिखाएंगी। हम हर गणतंत्र दिवस पर ये देखते हैं कि किस तरह मोटरसाइकिल सवार गहन प्रशिक्षण के बाद वो इस तरह के करतब दिखाते हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि वो रास्ता खाली हो जाता है और हम देख रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम है लेकिन जो नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर स्टेंजिन नोरियांग संतुलन बहादुरी और हैरत अंगेज कला का प्रदर्शन करते हुए अब सलामी मंच के सामने पहुंचने वाली हैं और फिर ये उन्होंने दिया सैल्यूट राष्ट्रपति महोदय को और इसके बाद फिश राइडिंग महिला आरक्षक सुमन सूत्रधार बॉबी राभा का साथ दे रही हैं महिला आरक्षक हैं वो भी और ये साइड राइडिंग महिला आरक्षक कुमुदिनी टोपो लेकिन हम सबसे यही कहेंगे कि बहुत ही प्रशिक्षण के बाद बहुत ही ट्रेनिंग होती है इसकी उसके बाद ये इस तरह के करतब दिखाते हैं तो ऐसा जोखिम आप मोल ना लें और ये फौलाद फॉर्मेशन महिला आरक्षक सुमिता सिकदर और सरस्वती लामा फौलाद भरा है सीने में है हथेलियों पर जान नारी कोमल हृदय है पर है शक्ति की पहचान ये इन्होंने यहाँ एक संदेश दिया प्रचंड बालाएं शक्तिमान ये फॉर्मेशन है महिला आरक्षक रंजना तारम और साथ में है पुष्पा यादव और इसके बाद आप देखेंगे फोहामनी लेकिन गजब का इनका संतुलन फोहामनी और उसके बाद मोबाइल पीटी आसान नहीं है संतुलन भी बनाए रखना है और आप एक्सरसाइज करते हुए भी जा रहे हैं मोबाइल पीटी के बाद बुल फाइटिंग आपने बुल फाइटिंग बहुत देखी होगी लेकिन खुले मैदान में और वो भी मोटरसाइकिल पर आसान नहीं है और ये है महिला आरक्षक रेशु बालियान और महिला आरक्षक बलजीत कौर और अब पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर ये कमान संभाली हुई है महिला आरक्षक के एम शीनू ने और अब देखिए सप्त ऋषि इस फॉर्मेशन की कमान है महिला आरक्षक राजपाल कौर के हाथ में गजब का संतुलन और अब ब्रह्म योग गुलदस्ता पांच मोटरसाइकिल देखिए योग किस तरह से कोई आसान नहीं है लेकिन योग किया जा रहा है ये देखिए किस तरह से योग करते हुए ये महिलाएं आगे की तरफ बढ़ गईं और अब विंडमिल फॉर्मेशन बहुत कठिन फॉर्मेशन वो भी सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर सात सवार महिला आरक्षक राजविंदर कौर अद्भुत करतब दिखा रही थी और उनके साथ उनकी साथी और ये है सीमा प्रहरी एक मोटरसाइकिल पर आठ वीरांगनाएं अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस जो ये जाहिर करती हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा किसी प्रकार मुस्तैदी के साथ की जा रही है किस प्रकार की जा रही है
महिला आरक्षक जयश्री ने इनकी कमान संभाली थी। और ये देखिए भारत के मुस्तैद प्रहरी महिला आरक्षक जसविंदर कौर किस तरह से आप अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, सरहद के निगहबान। फ्लैग मार्च पिरामिड, 7 मोटरसाइकिल, 29 सीमा भवानी वीरांगनाएं और 7 पर्वत श्रृंखला के समान आगे बढ़ते हुए इनका नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर राम प्यारी खींची। कौन कहता है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती या नहीं चल सकती। और ये कर्तव्य दिखाते हुए महिलाएं अब धीरे धीरे इंडिया गेट तक पहुंच रही हैं। आप देखें बिल्कुल एक सीध में गजब का संतुलन, नियंत्रण, नियंत्रित चाल मोटरसाइकिल्स की। और यहां पर घुमाव भी है तो उस तरह से आपको मुड़ना भी है, संतुलन बनाए रखना है, बहुत मुश्किल काम उसको अंजाम देते हुए। और आज क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, पहले हेलीकॉप्टर्स नहीं आए थे, अब देखना यह है कि कितने हेलीकॉप्टर्स या दूसरे विमान यहाँ आ पाते हैं, क्योंकि जो एक क्रम है अगर उसी क्रम से फ्लाई पास्ट होता है तो सबसे पहले रुद्र फॉर्मेशन में ALH MK 4 WSI हेलीकॉप्टर वो विक्ट्री आकृति के साथ आएंगे। लेकिन आज अगर हम राष्ट्रपति भवन की तरफ नज़र दौड़ाएं तो विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर हमें नज़र आ रहे हैं। विंग कमांडर अभिषेक शुक्ला इस यूनिट की कमान संभाल रहे हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर्स विंग कमांडर ए कुलकर्णी और विंग कमांडर दीपक बिश्नोई वो उड़ा रहे हैं। ये है रुद्र फॉर्मेशन। और इसके बाद 3C-130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान विक्ट्री आकृति के साथ हरक्यूलिस फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और यहाँ इनकी गति, इनकी ऊंचाई, तो इस झांकी में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। साबरमती आश्रम की स्थापना जैसा हमने बताया 1917 में की गई थी। बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता गांधी जी से मिलने के लिए यहाँ आए और यहीं से वर्ष 1930 में विश्व प्रसिद्ध दांडी यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब बहुत इस भव्य परेड का आनंद ले रहे हैं। और ये सैन्य दस्ते जो कुछ मिनट पहले राजपथ से गुजरे थे अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार कई महीनों तक ये अभ्यास चलता है। और बहुत ही कठिन अभ्यास में दिल्ली की ऐसी सर्दी भी होती है जिसमें कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हमारे ये जितने भी सैनिक हैं और जितने भी वो लोग जो इस परेड से जुड़े रहते हैं पूर्वाभ्यास में शामिल होते हैं। और अब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP राष्ट्र की सेवा में, ITBP की ये झांकी है। ITBP की झांकी जो राष्ट्र की सेवा में विषय को चरितार्थ कर रही है। ITBP एक बहुआयामी बल है और इसका गठन भारत चीन सीमा विवाद के दौरान वर्ष 1962 में हुआ और ये भी बहुत दुर्गम क्षेत्रों में अपने कार्य को अंजाम देते हैं। माइनस में तापमान होता है, बर्फ गिरी हुई होती है, लेकिन ये सदा सजग रहते हैं। इस झांकी में ITBP की बहादुरी और शौर्यपूर्ण सेवाओं को दर्शाया गया है। किन परिस्थितियों में ये कार्य करते हैं ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो
तो हम कुछ गर्म कपड़े पहन लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं या हीटर जला लेते हैं, लेकिन ये हमारे प्रहरी हमेशा सजग रहते हैं और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। और अब जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी राजपथ पर आगे बढ़ती हुई, उचित दाम हक से मांग, ये इसका शीर्षक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ये झांकी है और मंत्रालय ने लघु वन्य उत्पाद क्षेत्र के लिए युगांतरकारी स्कीम को इस झांकी में दर्शाया है। जनजातीय जनसंख्या की लगभग 50% आबादी, जो देश की आबादी का लगभग 8% है, वो वनों से जुड़ी हुई है। वो अपना अधिकतम समय वनों में व्यतीत करते हैं और वनों से ही अपनी आजीविका कमाते हैं, और ये सब कुछ बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, उचित दाम हक से मांग, यानी आप जो इतनी मेहनत करते हैं उसका उचित दाम आपको मिलना चाहिए और उसे आप अपने हक से मांग सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे वो भी इस परेड का आनंद लेते हुए, हमने बच्चों की बात की और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अब इसकी झांकी हमारे सामने। खेलो इंडिया, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आप खेलें, अपने लिए खेलें, अपने राज्य के लिए खेलें, अपने देश के लिए खेलें और फिर उसमें अपनी उपलब्धियां शामिल करते जाएं, जोड़ते जाएं। झांकी के अगले भाग में विभिन्न खेल शाखाओं की समग्रता और खेल सुविधाओं को व्यापक विकास जो उसमें हो रहा है उसे भी दर्शाया गया है। झांकी के बीच के भाग में स्वदेशी खेल नाम जैसे मलखंब के साथ साथ भारत में लोकप्रिय ओलंपिक खेल मुक्केबाजी और वेटलिफ्टिंग का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आर्चरी वो भी इसमें दिखाई गई है, वेटलिफ्टिंग। अब हमारी लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। अर्जुन पुरस्कार की प्रतिमा को भी इसमें दिखाया गया है, किस तरह से लक्ष्य साधते हुए अर्जुन की प्रतिमा। झांकी के दोनों साइड्स पर खेल की उन हस्तियों को भी दिखाया गया है जिन्होंने अपने खेल में बुलंदियों को छुआ है, और उनमें से ही एक अभी हमने देखे थे, सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह, जिन्होंने नाम कमाया खेल के क्षेत्र में भी। और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी, मिश्रित खेती खुशियों की खेती। ये बताया गया है कि अगर आप मिश्रित खेती करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये झांकी और ये विभिन्न मॉडलों को दर्शा रही है। हमारे देश में फसल और पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, सुअर आदि आधारित कृषि प्रणाली मुख्य रूप से काफ़ी असरदार है, प्रभावशाली है और लगभग 86% कृषि हाउस होल्ड्स कार्य करते हैं। तो इस सबको दर्शाया गया है इस झांकी में। फसल कटाई के मौसम में किसान को अपनी मेहनत का फल मिलता है और वे अपनी इस खुशी को लोक गीतों के माध्यम से किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो भी यहाँ हम देख रहे हैं। हमारे कृषकों के लिए, किसानों के लिए खुशी का एक ही सबब है, उनकी अच्छी खेती। और जब उनकी अच्छी खेती होती है, अच्छी फसल होती है, तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता। यहाँ आमो खास सभी तालियां बजाकर इस भव्य परेड में जो कुछ भी प्रदर्शित किया जा रहा है उसे सराह रहे हैं। स्वच्छ धन, ये विषय है इनकम टैक्स की झांकी का, आयकर विभाग की ये झांकी। केंद्र सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से आयकर प्रमुख है। पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों में लगातार 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्र को संपन्न और न्याय संगत बनाने के लिए सरकार ने समाज से काले धन की कुरीति के सफाई के लिए कई कदम उठाए हैं, और इसमें यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हमें अपने टैक्स अदा करने चाहिए, क्योंकि जो हम कर देते हैं देश को वो देश के विकास में और हमारी सुविधाओं के लिए खर्च किए जाते हैं। तो कर भुगतान हमारा कर्तव्य है, ये संदेश इस झांकी में दिया गया है। और अब एक ऐसी झांकी आपके सामने आएगी, जब रिहर्सल्स होती है तो उसका सिर्फ ट्रेलर चलता है,
क्योंकि ये फूलों से बनाई जाती है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की CPWD, और हमेशा फूलों से इस झांकी को तैयार किया जाता है। और आज का जो ये झांकी यहाँ प्रदर्शित हो रही है, इसका शीर्षक दिया गया है दीपावली। दीपों के उत्सव दीपावली पर घरों, दरवाज़ों, खिड़कियों और सभी जगहों को असंख्य दीपकों और अन्य रोशनियों से सजाया जाता है। दीपावली हमारे घर के साथ साथ हमारे दिलों को भी रोशन करती है, और बच्चों की तो खुशी अलग ही तरह की होती है। एक बहाना मिल जाता है कुछ नए कपड़े खरीदने का भी, घर की सफाई का, एक दूसरे से मिलने का, मिठाई बांटने का और अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने का। पूरी झांकी में भारत की प्राचीन स्थापत्य कला और दीपावली आयोजन को दिखाया गया है। और अब वो बच्चे आएंगे जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वीरता के लिए। पहली बार 1957 में दो बच्चों को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए गए थे, और इस साल 16 साल 9 माह की नाजिया ने पड़ोस में कई दशकों से चल रहे जुए और सट्टे के अवैध व्यवसाय के खिलाफ आवाज़ उठाई, FIR दर्ज करवाई, मुश्किलें भी झेली, लेकिन फिर वहाँ से उनका सफाया हुआ। पंकज सेमवाल ने अपनी माँ को गुलदार के हमले से बचाया। सिर्फ 6 साल 8 माह की ममता दलाई की साथी आसंती का हाथ मगरमच्छ ने दबोच लिया। उन्होंने अपनी जो दोस्त है उनको बचाया, बहुत तेज़ आवाज़ की और मगरमच्छ घबरा कर चला गया। 17 वर्षीय करणवीर सिंह ने नाले में गिरी एक स्कूल बस से 15 बच्चों को बचाया। तो इस तरह के बहादुरी के कारनामे किए हैं इन बच्चों ने, और इनके लिए गौरवशाली पल है क्योंकि राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में ये आज यहाँ से गुजरते हुए बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। और ये पल इनको इसलिए भी याद रहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस परेड में 10 आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित थे, और बच्चों ने तो ख़ासतौर पर तालियां बजाकर इन वीर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये हमारे बहादुर बच्चे। उनहत्तरवां गणतंत्र दिवस भारत आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, और अब ये सर्वोदय कन्या विद्यालय जहांगीरपुरी दिल्ली के बच्चे अपनी प्रस्तुति यहाँ पेश करेंगे। भारत के रंग शीर्षक गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए आनंद लेते हैं। भारत एवं आसियान राष्ट्रों के मध्य 25 वर्षों की भागीदारी का जश्न बच्चे पेश करने जा रहे हैं, और ये बच्चे हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली के। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आसियान राष्ट्रों की 25वीं वर्षगांठ पर, जो भारत और आसियान देश के संबंध हैं उनकी 25वीं वर्षगांठ है, और उसी जश्न को यहाँ ये बच्चे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
और इनके लिए विशेष तौर पर गीत या संगीत तैयार किए जाते हैं और न जाने कितने दिन तक ये लगातार रिहर्सल करते हैं। राजपथ पर रंगों की छठा बिखर रही है। बरेदी नृत्य एक धर्म पर आधारित नृत्य है और इसकी प्रस्तुति की अपनी कलात्मक विशेषता है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के 160 बच्चे गोवर्धन पर्वत की पूजा की विषय वस्तु पर नृत्य करेंगे और ये धारणा है कि भगवान कृष्ण ने अपने साथियों के साथ स्वयं ये नृत्य किया था। वो बिल्कुल अलग अलग होती है क्योंकि जब हमारे फाइटर प्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऊंचाई उसी हिसाब से उनकी ज़्यादा होती है। और ये जो अभी जिक्र किया हरक्यूलिस फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी कम विजिबिलिटी है तो उसकी एक झलक हमें मिल पाई है। विक्ट्री आकृति के साथ आज सुबह से काफी धुंध, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान 300 मीटर की ऊंचाई पर, ये देखिए अब हमें वो नजर आए हैं। ग्रुप कैप्टन एस गोपी मोहन ने इसकी कमान संभाली हुई है, विंग कमांडर मंदीप चहल और विंग कमांडर शिशिर सुकान दूसरे पायलट विमानों की कमान संभाले हुए हैं। As heads turn skywards in the game, और इसके बाद नेत्र यानी आकाश में नेत्र है ये फॉर्मेशन होगी और ये DRDO के बंगलुरु स्थित केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये वायुयान अभी मूल्यांकन अवधि में है और इसे बहुत जल्द वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अब इंतजार है नेत्र का और ये यान कैप्टन सुमित गर्ग और ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा उसे उड़ाएंगे और देखना यह है कि कितनी देर बाद ये विमान यहाँ पहुँचता है। Formation. Eye in the sky. An airborne early warning and control system aircraft. ये देखिए ये आ गए हैं नेत्र। Flown by group captain Pradeep Patra. ये 400 किलोमीटर की दूरी से शत्रु के वायुयान को पहचान लेते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। और अब इंतजार है ग्लोब फॉर्मेशन का। C-17 ग्लोब मास्टर के साथ दो सुखोई 30 विमान उड़ान भरेंगे और इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन के रामा राव के हाथों में होगी और उनके साथ
सुखोई 30 विमानों की कमान विंग कमांडर प्रीतम संतरा और ग्रुप कैप्टन उद्यान कुमार रोशन के हाथों में रहेगी। देखना यह है ग्लोब फॉर्मेशन। C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट लंबी दूरी स्ट्रेटेजिक विमान है और ये देखिए ये तीन विमान जिसमें दो सुखोई हैं और एक C-17 ग्लोब मास्टर। ऐसा लग रहा है जैसे पिता पुत्र एक साथ कहीं चहलकदमी कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन के बाद अब इंतजार है तेजस का। ग्रुप कैप्टन माधव रंगचारी इस फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे और उनका साथ दे रहे हैं विंग कमांडर एस धनखड़ और विंग कमांडर एम टोमी। ये हवाई जहाज भारतीय वायुसेना के 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स में इसे स्थापित किया गया है और भारत में इसे विकसित किया गया है, बनाया गया है। तेजस 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपरसोनिक मल्टी रोल सिंगल ईस्ट फाइटर स्टेट ऑफ द आर्ट ये तेजस भारतीय वायुसेना के पास अब एक से बढ़कर एक घातक मार करने वाले लड़ाकू विमान है। और अब जगुआर फॉर्मेशन, पांच जगुआर एरोहेड फॉर्मेशन उसमें उड़ान भरेंगे। विंग कमांडर पारिजात सौरभ इस फॉर्मेशन की कमान संभाल रहे हैं जबकि विंग कमांडर के भारत स्क्वाड्रन लीडर एस के दाश, विंग कमांडर एम के सिंह और स्क्वाड्रन लीडर डी गिल अन्य विमानों में उड़ान भर रहे हैं। और ये जगुआर विमान सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर होंगे और 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेंगे। विंग कमांडर पारिजात सौरभ ने उनके साथ स्क्वाड लीडर एस के दाश, विंग कमांडर एम के सिंह, स्क्वाड लीडर डी गिल और विंग कमांडर के भरत। पलक झपकते ही ये विमान आंखों से ओझल हो जाते हैं और अब फलक्रम फॉर्मेशन में ट्राइडेंट के नाम से मशहूर पांच मिग 29 विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए हम देखेंगे कुछ ही देर में। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन तुषार वैद्य कर रहे हैं, विंग कमांडर अंकुर माथुर, विंग कमांडर सी सुरेश, विंग कमांडर पारिजात झा और विंग कमांडर ए हाकिम दूसरे विमानों को उड़ाएंगे। फलक्रम फॉर्मेशन मिग 29 ये भी बहुत खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। Fulcrum. The other members of the formation are Wing Commander Ankur Mathur, Wing Commander C. Suresh, Wing Commander Parijat Jha and Wing Commander A. Hakim. और इसके बाद सुखोई 30 MKI आएंगे। तीन सुखोई 30 MKI विमानों को आप त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए देखेंगे और ये जिस तरह का एक वहां पर इनका हम स्वर सुनते हैं, इनकी आवाज सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ ये विश्वास होता है कि हमारे वायु सीमा प्रहरी भी कितने सजग हैं और कितने चौकन्ने हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत अग्निहोत्री के नेतृत्व में ये 30 MKI सुखोई आएंगे। विंग कमांडर अमित शर्मा और विंग कमांडर टी शानमुखा दूसरे विमानों में उड़ान भरते हुए तीन सुखोई ये त्रिशूल फॉर्मेशन। And now, everybody holding their breath for the last flanker. और इसके बाद फ्लैंकर जो परेड का अंतिम और रोमांचक आकर्षण होगा यानी अत्याधुनिक SU-30 MKI विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए ये विमान वर्टिकल चार्ली बनाते हुए नजरों से ओझल हो जाता है चुटकी बजाते ही और ग्रुप कैप्टन हरप्रीत दूसरा इस विमान को उड़ा रहे हैं। Keep your eyes fixed on your screen. लेकिन क्या आज ये विजिबिलिटी की वजह से हम देख ये वर्टिकल चार्ली बनाता हुआ विमान नभ स्पर्शम दीप्तम ये है मोटो हमारे वायुसेना का यानी हम अपने आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं उसकी रक्षा करने में सक्षम हैं और जब तक हम हैं हमारी वायु सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जो हम मुख्य आकर्षण हैं उनको कह सकते हैं कि अब वो
यहाँ संपन्न होते हैं। अब कुछ ही देर बाद फिर राष्ट्रपति महोदय के अंगरक्षक यहाँ पहुँचेंगे, एक बार फिर राष्ट्रगान होगा और उसके बाद हमारे विशिष्ट मेहमान और राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन अब कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह से जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय शायद इस विश्वास के साथ अब वापस जाएंगे कि ये जो हमारी प्रगति हो रही है अगले वर्ष इससे ज़्यादा, उससे अगले वर्ष और ज़्यादा। और हमेशा यही एक परंपरा रही है कि हम अपनी उपलब्धियों को याद करते हैं और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को और तैयार करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी सैन्य ताकत का एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, आर्थिक ताकत का और हमारी सांस्कृतिक विरासत का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीति, शायद आपको भी काफ़ी रोमांच हुआ होगा जब हमारा ये फ्लाई पास्ट हुआ, क्योंकि हमारे जो दर्शक थे वो बहुत रोमांचित थे और ख़ासतौर पे जो हमारे विदेशी मेहमान, वो तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित नज़र आए और किस तरह से वो आनंद उठा रहे थे हर उस चीज़ का, उस प्रस्तुति का जो हमारे राजपथ पर उनके सामने प्रस्तुत की गई। और बाद में जो फ्लाई पास्ट हुआ वो आपने देखा ही होगा कि कितना रोमांचक रहा, सबको रोमांचित किया उसने। और यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ने एक एक पल का बहुत आनंद लिया है और कुछ लोग अभी भी शायद इस उम्मीद में हैं कि शायद कुछ और विमान आएंगे, जबकि अब फ्लाई पास्ट इसके साथ ही संपन्न हुआ है और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति महोदय के घुड़सवार अंगरक्षक यहाँ पहुँच जाएंगे और एक बार फिर राष्ट्रगान होगा। ये परंपरा है हमेशा गणतंत्र दिवस की। अभी भी कुछ लोगों की निगाहें हैं राष्ट्रपति भवन की ओर, लेकिन सड़क मार्ग से जितनी जैसा अभी आपसे हम जिक्र कर रहे थे कि अब राष्ट्रपति महोदय के घुड़सवार अंगरक्षक सलामी मंच की ओर आ रहे हैं और जब ये यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद एक बार फिर राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रपति के अंगरक्षक उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे। कर्नल बोमांडा धीरज चेंगप्पा रेजिमेंट के कमांडर हैं और वही एक बार फिर कमांड देंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होता है। सलामी मंच के सामने ये बैंड है जो सूबेदार मेजर चिन्ना दुरई के नेतृत्व में है। दो जेसी और 31 बैंड वादकों वाले पाइप एवं ड्रम बैंड का नेतृत्व एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर और जाट रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार एसपी चौरसिया कर रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं नायब सूबेदार जोधपाल सिंह